लेकिन सुमित चौधरी का भी मैं रुक करना चाहूंगी। सुमित, आप तो और अंदर तरफ जाते हुए ये देख रहे हैं और खतरे को भी भांप रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमास का खात्मा करने के लिए जगह जगह पर IDF की तैनाती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुरभि कल भी हम लोग गाजा पट्टी के अंदर स्पेशल फोर्सेस के साथ उन इलाकों में गए थे जहां पर इनिशियली मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर इनिशियल अपने फ्रंट लाइंस को मजबूत किया जा रहा है। एक बार फिर हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेरी या फिर रेम के उन इलाकों में जाएँ जहाँ से लगातार अभी ये कोशिश और ज़्यादा तेज़ कर दी गई। देखिए तीन अलग अलग फ्रंट हैं जो इस समय खोले गए हैं, उन्हीं में से एक फ्रंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड पे उन दोबारा से उन जगहों पर जाके दिखाएं जहां से ये ग्राउंड फोर्सेस एंटर कर रही हैं, यानी कई मोर्चे कई लाइंस को खोला गया है, उसमें से एक लाइन हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और IDF की कोशिश यही है कि सबसे पहले ग्राउंड फोर्सेस जब घुसे तो उनके पीछे बैकअप पूरी तरीके से तैयार हो, कोई उनको दिक्कत ना, और कहीं पर भी अगर एडवर्सरी या फिर गाजा हमास की तरफ से कोई अटैक किए जाते हैं। जल्द आपके पास आती हूं, एक रिपोर्ट आपने भेजी थी कैसे गाजा पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है और शहर के बीच मिसाइल से ये वार हुआ है, वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि धमाके के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। शहर के बीचों बीच ये हमले हो रहे हैं, आखिर लोग कहां पर हैं? क्या उन्हें इन इलाकों से पहले ही हटाया जा चुका है? देखिए अभी जो इनिशियल जो आगे के जो गांव थे या फिर जहां पर अटैक हुआ, जिन इलाकों से स्पेशल फोर्सेस मूव कर रही है उनको अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है स्पेशल फोर्सेस के लिए। उन सारी जगहों को जहां पर अटैक किए गए थे अब उन गांवों को उन लोकेशंस को उनको अपने हाथों में IDF ने ले लिया है, लेकिन जो पीछे के इलाके हैं चाहे वह अश्कनौल हो, सेड्रॉट हो या बाकी के इलाके जहां पर अभी मौजूदगी है वहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं। लगातार हमने भी कई लोगों से जब अश्कनौल में कल पूछा कि जिन होटल्स में जिन लोकेशंस में हम रुके हुए थे तो उन्होंने साफ तौर प्रकार कि हम इस चीजों के आदी हैं, हम इन चीजों को लंबे समय से झेलते आए हैं और इसीलिए हम इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहते हैं। तो वो लोग अभी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो आगे के फ्रंट लाइन के जो गांव हैं या फिर एरियाज हैं उनको जरूर हटा दिया गया है, उन एरियाज को लगातार स्पेशल फोर्सेज ने टेक ओवर कर लिया है और अब वहीं से ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है और वहीं से लगातार स्पेशल फोर्सेज की मूवमेंट भी की जा रही है। इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में लगातार आप दोनों से हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर है हमास की उस रणनीति को लेकर, और ये रणनीति बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमास अपने मकसद के लिए अब मासूम बच्चों का कर रहा है इस्तेमाल। युद्ध के लिए बच्चों को हथियार चलाने की मिलती है ट्रेनिंग, घातक हथियार बॉम्ब बारूद बच्चों के हाथों में पकड़ाए जा रहे हैं। 14 साल के छोटे छोटे बच्चों को हमास युद्ध की कैसे ट्रेनिंग दे रहा था वही तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बच्चों को भी युद्ध में झोंकने की यह तैयारी थी। कैसे हमास मासूम बच्चों का कर रहा है इस्तेमाल, इसी के बारे में एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि अलग अलग चरण में कैसे इन बच्चों को शामिल किया गया उसी की जानकारी अब आपके सामने होगी। ज्यादातर अनाथ बच्चों को मिलिट्री कैंप ले जाने की खबर भी सामने आई है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया और घातक हथियार चलाने की इन्हें बकायदा ट्रेनिंग भी दी गई। अलग अलग चरणों में ये चौथा चरण है जहां IDF जवानों को टारगेट करने के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। तो अब हमास जिस तरीके से अभी तक हमले के बाद भी ह्यूमन शील्ड के तहत हम बार बार चर्चा करते आए हैं कि कैसे लोगों को बीच में रखते हुए वार करता आया है, वहीं अब मासूमों को भी हमास ने नहीं बख्शा और हमास का इजराइल पर बड़ा हमला। एक और सबसे बड़ी खबर जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही मिसाइल अटैक को लेकर यह खबर मिल रही है। हमास की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर यह हमला निर्दोषों पर हमले के जवाब में किया गया है। ثلاثة كيلو هذه عليا